बिलासपुर के देवकिरारी गांव में बीते 4 दिन पहले फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, जहां चाट खाने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। और इसी बीच 2 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बहुत सारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, उसको चालू करने के लिए और उसको अच्छी व्यवस्था करने के लिए कई ज्ञापन दिए, कई लेटर लिखे। एक साल पहले TS सिंहदेव साहब, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दिया था कि 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसकी सुविधाएँ कम है, वो ठीक करवाएंगे, पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और हर ज्ञापन का एक प्रति जो है वो रिजर्व प्रतिपक्ष महोदय जो वहाँ के विधायक हैं उनको भी दिया, लेकिन सारे कान बहरे हो गए हैं, उनमें जूम नहीं देखती। आज हम लोगों ने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सामने बरसात का मौसम है, बीमारियाँ और बढ़ेंगी, स्नेक बाइट या डॉग बाइट के भी केस बढ़ेंगे, उसके लिए शासन ने व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर देनी चाहिए ताकि और किसी की जान न जाए।